मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। पिछले 3 महीने से उनका इलाज एम्स में चल रहा था। माधवी राजे सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया की पत्नी थी। बता दें, माधवी राजे सिंधिया की तबीयत कुछ समय पहले से ज्यादा खराब थी। माधवी राजे सिंधिया के लंग्स में इन्फेक्शन था। उनका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा था। गंभीर हालत होने पर उन्हें एम्स के आईसीयू में भर्ती किया गया था और उन्हें वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया था। कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की बात सामने आई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया प्रचार छोड़कर उनकी देखभाल के लिए दिल्ली में थी। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया की तबीयत पहली बार 15 फरवरी को बिगड़ी थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ समय पहले ये जानकारी शेयर की थी। बता दें, नेपाल राजघराने से माधवी राजे सिंधिया का संबंध था। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव राज सिंधिया के साथ विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी देवी था। साल 1966 में माधव राव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। मराठी परंपरा के मुताबिक शादी के बाद उनका नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया रखा गया। पहले वे महारानी थी, लेकिन 30 सितंबर 2001 को उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया के निधन के बाद उन्हें राजमाता के नाम से संबोधित किया जाने लगा।